बेलदौर में डीलर द्वारा नकली चावल दिए जाने पर ग्रामीणों ने एसडीओ से इसकी शिकायत की। बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि डीलर द्वारा नकली प्लास्टिक के चावल बांटे जा रहे हैं। बेलदौर प्रखंड अंतर्गत पंचौत पंचायत के दर्जनों पीडीएस लाभुकों ने बताया है कि डीलर के द्वारा दिए गए चावल नकली हैं। कच्चा चावल रबड़ का बना हुआ है, जिसको खाने से कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। जानकारी के मुताबिक बीते दिन पंचौत निवासी छत्री चौधरी के पत्नी मंगली देवी वार्ड नंबर 2 समेत दर्जनों लाभुकों ने बेलदौर के डीलर की दुकान से अरवा चावल लाया और उस चावल को जब उन्होंने पानी भरे बाल्टी में डाला तो सैकड़ों चावल पानी के ऊपर तैरने लगे, तो लोगों को शक हुआ कि यह चावल नहीं बल्कि रबड़ का बनाया हुआ नकली चावल है। वहीं धीरे धीरे उक्त खबर आग की तरफ फैल गई, सैकड़ों उपभोक्ता इकट्ठा हो गए। फिर लोगों ने इस बात की जानकारी गोगुरी एसडीओ अमन कुमार सुमन को दी। उसके बाद लोगों ने इस बात की जानकारी डीलर को दिया। डीलर ने बताया कि यह चावल हम नहीं बनाते हैं, बल्कि हमें सरकार के द्वारा दिया जाता है जो हम लाभुकों को देते हैं। वहीं जब इस संबंध में हमारे खगड़िया संवाददाता सुमलेश कुमार ने गोगुरी एसडीओ अमन कुमार सुमन से बात की तो उन्होंने बताया कि पंचौत के लाभुकों के घर एवं डीलर की दुकान पर जाकर एमओ को जांच का निर्देश दिया गया है। जांच के बाद ही मालूम होगा मामला क्या है। मैं सुमलेश कुमार खगड़िया, आज हमारी मौजूदगी बेलदौर प्रखंड के पंचौत पंचायत में है, जहाँ की दर्जनों पीडीएस लाभुकों ने शिकायत किया था कि उन्हें रबर वाला चावल दिया गया है डीलर के द्वारा, नकली चावल दिया गया है, जिस पर वहाँ के उपभोक्ता ने एसडीओ अमन कुमार सुमन से शिकायत की। तो उन्होंने इस बात की जानकारी संबंधित एमओ को देकर जांच करवाने की बातें कही है। आइए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं, उन लोगों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मंगली। पति का नाम? घर कहाँ हुआ? पचौत। क्या दिक्कत है इस चावल में? कहाँ से लाए है चावल? हाँ, तो क्या दिक्कत है उसमें? जान बाल बच्चा खाए छे, कोनो दिक्कत नहीं। साधारण जो चावल होता है, जमीन चावल जो पहले मिल रहा था, उससे थोड़ा सा मोटा था। अच्छा। और उसको दाबने पर जो हुआ पचक जाता था। अच्छा। और उसके बाद फिर तोड़ते हैं तो थोड़ा सा लेट से टूटता था। अच्छा। मुड़ करके टूटता था। अच्छा। डायरेक्ट नहीं टूटता, मुड़ करके टूटता। तो कैसा लगा आपको? अब पता नहीं किस चीज का, कौन सा केमिकल का बना था वो। अच्छा, चावल लेकिन चावल केमिकल का बना हुआ है? हाँ, जेन्युइन चावल से अलग भिन्न था वो। अच्छा, कितना आदमी को दिया होगा वो चावल? हम तो एक आदमी, एक महिला हमको दिखाई थी, हम फोटो नहीं देख सके, संजोग बस खींच सके, मोबाइल नहीं था पास में इसी लेकर। अच्छा, तो रबर वाला चावल मिला है? वैसा ही अनुभव प्रतीत होता था, रबर का है कि क्या है या कौन सा पदार्थ का बना है इसका हमें आभास नहीं है। अच्छा। लेकिन उन्होंने जेन्युइन चावल से अलग भिन्न दिखाई पड़ता था। अच्छा, कहाँ? पंचौत के ग्राहक को दिया है जी।